अरे बिराज लो थोड़ी सी, ये रखता बाद में कर लेना। आदरणीय एमएलए साहब की कुछ प्रवचन देंगे, आप थोड़ा सा सुने। 11 सितंबर को करौली में होने वाली संकल्प रैली के संदर्भ में हम आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले वो रैली हमारी 10 तारीख को होने वाली थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल और गैस की दरों में वृद्धि होने के कारण हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार भारत बंद का आह्वान किया गया, इसलिए रैली को हमने 11 तारीख को कर दिया। अब 11 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधारें और कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि करौली की धरती पर ये संभाग की रैली है जिसमें भरतपुर जिला है आपका, सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर है, चारों जिले के लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो मैं इस बस्ती से निवेदन करना चाहता हूँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और यहाँ से करौली की धरती से देवभूमि से एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि करौली जिले में पूरे भरतपुर संभाग में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस मजबूत है तो आज जो विधानसभा 2018 का चुनाव है उसमें हमें सफलता मिलेगी। वैसे तो हम पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, सभी जगह हमें कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, जहाँ भी जा रहे हैं। आम आदमी बड़ा त्रस्त है, बड़ा बदहाल है, स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि पूरे राजस्थान में जहाँ भी जाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अपराध हो रहे हैं, प्रतिदिन 5 से 6 हत्याएं हो रही हैं, 11 से 12 बलात्कार हो रहे हैं। रोजगार देने की बात करने वाली सरकार के 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। पीडीएस सिस्टम था, खाद्य सामग्री योजना थी, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, 90 लाख लोगों के नाम काट दिए। हमारे अशोक गहलोत जी के समय में पहले आपको फ्री में दवाई मिलती थी, फ्री में इलाज होता था, आपको 50 साल का भी है तो भी पेंशन मिल रही थी, सारी बातें हो रही थी। ये सरकार आने के बाद इन्होंने महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात की थी, लेकिन आज महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, बिना पैसे के लेन देन के कोई काम नहीं होता, एक सिपाही से लेकर एसपी बजरी के पीछे भाग रहा है, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा। खाद्य सुरक्षा योजना की आप बात करें, आप NRHM में घोटाला हो गया, PhD में घोटाला हो गया, खनन विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो किसी न किसी में हर विभाग में जाएंगे, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है सरकार में। तो पूरी जनता इस राजस्थान की मानस बना चुकी है कि भ्रष्टाचार भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को लाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग करौली की धरती पर जो होने वाला सम्मेलन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारेंगे तो हमें भी ताकत मिलेगी, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस का राज आएगा तो मान और सम्मान और विकास आपको भी मिलेगा और हमें भी कहीं न कहीं सम्मान मिलेगा तो इस जिले के विकास के काम भी आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि संभाग की रैली की जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है तो ये रैली सफल बने और कांग्रेस का राज आवे, ये हमारा आपसे निवेदन है। तो आप बताओ थोड़ा सा कैसे आएंगे, क्या व्यवस्था है, नहीं तो हम व्यवस्था करें जो बताएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नज़दीक हैं, यहाँ से ज़्यादा संख्या में आप आ सकते हैं, तो साधन की व्यवस्था कोई बात हो नहीं है, अपने साधनों से आ जाएंगे, बस कर लेना, कर लीजिए।